ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम प्रश्न पत्र स्त्री लेखन के अंतर्गत युवा कथाकार अलका सरावगी की कहानी आग एगारसी की चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप विज्ञान के सतर्क एवं सकारात्मक प्रयोग की महत्ता स्पष्ट कर सकेंगे। विज्ञान के बढ़ते दुरुपयोग से भविष्य में होने वाली समस्याओं पर अपने विचार रख सकेंगे और कन्या भ्रूण हत्या के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझ सकेंगे और विश्लेषित कर सकेंगे। यह समस्या आज के युग की एक ज्वलंत समस्या इसलिए कही जा सकती है कि उत्तरोत्तर स्त्री पुरुष लिंगानुपात में कमी आ रही है। कन्या भ्रूण हत्या पढ़े लिखे वर्ग में और अशिक्षित ग्रामीण परिवेश में एक स्वीकृत प्रथा के रूप में घर कर चुका है और आज तमाम जागृति और प्रयासों के बावजूद हम इस विषम लिंगानुपात को उठाकर 943 के आंकड़े तक ही ले आ पाए हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में आक एगारसी का विश्लेषण और उसके माध्यम से पाठकीय चेतना का विकास इस कहानी का मूल लक्ष्य है। अलका सरावगी 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हिंदी के साहित्यिक परिदृश्य पर उदित हुई हैं। उनका उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास बेहद चर्चित कृति रहा है, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से लेकर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया। इस रचना के महत्व की बात करते हुए प्रायः आलोचक इसके शिल्पगत वैशिष्ट की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन यह उपन्यास मारवाड़ी समाज की जातीय अस्मिता को थहाने के प्रयास में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को जिस ढंग से विश्लेषित करता है, मारवाड़ी समाज की मुनाफाखोरी प्रवृत्ति, संकुचित मानसिकता और सुविधाभोगी प्रवृत्तियां जिस तरह से एक जाति विशेष के व्यक्तित्व को रचती हैं, उसकी अनुगूंजें कहीं एक अंतर विरोधों और दुर्बलताओं के रूप में हमें हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में भी दिखाई पड़ती हैं, और वही चरित्र किस तरह से समय का लंबा फासला तय करते हुए 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक और आज तक आगे आया है, इसकी ओर सबसे पहले अलका सरावगी ने इस उपन्यास में ध्यान आकृष्ट किया है। उपभोक्तावादी संस्कृति की जड़ें कहीं मुनाफाखोरी के रूप में, काला बाजार के रूप में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में दिखाई पड़ रही हैं, और वही इसके बाद आने वाले उनके अगले उपन्यास एक ब्रेक के बाद में भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह से अपने उपन्यास यात्रा में वो भारतीय समाज के बृहद सरोकारों को ले रही हैं। हाल ही में आया उनका उपन्यास जानकी दास तेजपाल मेंशन भी विकास के आड़ में प्रकृति का दोहन करने और व्यक्ति को अपने ही मूल्यों की चूलों से हिलाकर उसे पथभ्रष्ट करने और उसे पेड़ से टूटे एक सूखे पत्ते में तब्दील कर देने की त्रासदी पर एक गहरा व्यंग्य भी कर रहा है। अलका सरावगी की खासियत यह है कि वे अपनी रचनाओं में प्रायः स्त्री प्रश्नों पर विचार नहीं करते। उनके सरोकार बृहत्तर सामाजिक संदर्भों से जुड़कर उन सब विसंगतियों की पड़ताल कर लेना चाहते हैं जो मनुष्य के जीवन को कठिन से कठिनतर बनाती चलती हैं। लिंग, धर्म, वर्ग, वर्ण, जात, संप्रदाय आदि विभाजनों से परे वे मनुष्य को उसकी अखंडता में देखती हैं। इसलिए मनुष्य और मनुष्य के संबंध, मनुष्य और समाज के संबंध, समाज और समय के अंतर संबंध पर विचार करते हैं। अलका सरावगी की एक खासियत है कि कथा शिल्प के प्रचलित ढांचे को तोड़कर वे उसे नया रूप देती हैं, जहां
बिना केवल अंतर वस्तु में निहित सूक्ष्म अभिव्यंजनाओं को गहराई से उकेरती हैं, बल्कि कथा के शैल्पिक ढांचे को समृद्ध करते हुए उसे कभी आख्यान परंपरा से जोड़ती हैं, कभी जातीय परंपरा की शिनाख्त करती हैं और कभी आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी करती हैं। अपने संपूर्ण रचनाशीलता में लेखिका पाठक से दो बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा करती हैं। एक यह है कि हमारी पीढ़ी ने ऐसी कौन सी भयंकर गलतियां की हैं जिनका खामियाजा अगली पीढ़ियां भुगत रही हैं, और दूसरे, क्या हम अपनी इन गलतियों को जानते हैं? साथ ही गलतियों के सुधार की प्रक्रिया में 100 वर्ष बाद की पीढ़ी जिन समाधानों तक पहुंची है, क्या वे निर्दोष हैं? इस प्रकार कहानी कपोल कल्पना का सतही मुखौटा गिराकर धीरे धीरे समय को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले केंद्रीय प्रश्न तक पहुंचते। जहां तक आप एकादशी कहानी का सवाल है, लेखिका पाठक से दो बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा करती है। एक, हमारी पीढ़ी ने ऐसी कौन सी भीषण गलतियां की हैं जिनका खामियाजा अगली पीढ़ियां भुगत रही है, और क्या हम अपनी इन गलतियों को जानते हैं? दूसरा, गलतियों के सुधार की प्रक्रिया में 100 वर्ष बाद की पीढ़ी जिन समाधानों तक पहुंची है, क्या वे समाधान निर्दोष कहे जा सकते हैं? इस प्रकार कहानी कपोल कल्पना का सतही मुखौटा गिराकर धीरे धीरे समय को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले केंद्रीय प्रश्न तक पहुंचती है कि अपने समय की संकटापन्न स्थितियों से जूझते हुए हम भविष्य के समाज को क्या विरासत दे रहे हैं। सांसों के क्रम को पूरा करना या उपभोग में आनंद उठाना जीना नहीं है, प्रकृति समाज और सृष्टि की निरंतरता के साथ अपने सकारात्मक संबंध का तारतम्य बनाए रखना। दरअसल कथाकार के रूप में अलका सरावगी का मूल लक्ष्य सभ्यता के विकास की समीक्षा करते हुए समय और समाज की पुनर्रचना करना है, ताकि एक गहरे संतुलन और सामंजस्य के साथ मनुष्य और प्रकृति अपनी अपनी मर्यादा में रहकर एक दूसरे की गरिमा बनाए रख सके। आग एगारसी कहानी उनकी इसी संवेदनात्मक अकुलाहट का परिणाम है। आग एगारसी सन 2000 में प्रकाशित उनके दूसरे कहानी संग्रह में संकलित कहानी। मोटे तौर पर यह कहानी कथानक विहीन कही जा सकती है। घटना मात्र इतनी है कि अपने मित्र के साथ हुई दुर्घटना और अनहोनी का भयावह स्वप्न देखने के बाद कथावाचक अस्त व्यस्त मनस्थिति में उसका कुशल क्षेम जानने और भविष्य के बारे में सतर्क करने के लिए उसके घर की ओर जाता है। घर के समीप पहुंचते ही उसे याद आता है इस समय मित्र दफ्तर में होगा, इसलिए समय बिताने के लिए वह घर के समीप एक पार्क में चला जाता है, जहां उसे अपने पुराने मकान मालिक का बेटा सुमंत दिखाई देता है। सुमंत आत्ममग्न है और पुराने परिचय की याद दिलाई जाने पर भी उसे पहचान नहीं पा रहा। वह बताता है कि उसका नाम सुमंत नहीं है, उसका नाम है आग एगार्स। संभ्रम में पड़े कथावाचक को वह बताता है कि उसे उसका नाम आग एगारसी इसलिए असामान्य लग रहा है क्योंकि वह उसके समय से 100 साल आगे आने वाली 11वीं पीढ़ी की संतान है। शेष कहानी में दोनों इस संवाद के माध्यम से 100 साल की अवधि में घटने वाले विज्ञान के संहारक प्रभावों और मनुष्य के स्वार्थ केंद्रित उपभोक्तावादी दृष्टि के दुष्परिणामों को शब्दबद्ध किया गया, जो दरअसल हमारे आज के समय का कड़वा यथार्थ। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, कथावाचक आग एगारसी के अस्तित्व को सच मानता हुआ उसे बेहद परिपक्व, संवेदनशील और विचारशील भविष्य संतान के रूप में स्वीकार करने लगता है। 100 वर्ष की अवधि में 11 पीढ़ियों के जन्म लेने की असंभाव्यता और 100 वर्ष आगे भविष्य से किसी बच्चे का आना जैसे अविश्वसनीय युक्तियों से बेपरवाह कथावाचक जैसे ही उसे अपने हृदय के रहस्य सौंपने लगता है, सुमंत के पिता उसे पुकारते हुए वहां आ जाते हैं और वह आग एगारसी के अभिनय को छोड़ उनके साथ चला जाता है। सतही तौर पर कहानी अविश्वसनीय और अतार्किक प्रतीत होती है। यथार्थ में कल्पना का मिश्रण कर जब कोई लेखक अपनी अंतर्दृष्टि के सहारे यथार्थ की पुनर्रचना करता है, तभी साहित्यिक रचनाओं का जन्म होता है।
कल्पना की प्रचुरता के बावजूद कहानी में कल्पना, यथार्थ की तार्किकता, कार्य कारण श्रृंखला, संभाव्यता और आधार भूमि को नष्ट नहीं करती, बल्कि इन्हें ही सुदृढ़ करने के लिए वह निरंतर यथार्थ के दबावों और नियमों के अधीन रहती है। आखिरकार से कहानी में कल्पना यथार्थ के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर मानो किसी दूसरे ग्रह नक्षत्र में प्रविष्ट हो जाती है, जहां न पढ़े गुने तर्क है न नियम। रहस्यमय वातावरण को गहराते हुए कहानी जिस स्वप्न चित्र की रचना करती है वह उसे फैंटेसी का रूप देती है। फैंटेसी सतही तौर पर भले ही यथार्थ की भयावहता से घबराकर पलायनवादी तिलस्मी लोक की रचना करती कोई सिरफिरी कोशिश दिखे, लेकिन गहराई में वह यथार्थ की अदृश्य कुटलता का भयावह विस्तार करती है, ताकि आतंक और त्रास की सृष्टि करती व्यवस्था को अनेक कोणों से देखा जा सके और फिर उसके साथ अपने अंतर संबंधों का रेशा रेशा विश्लेषित किया जा सके। इसलिए फैंटेसी अपनी मूल संकल्पना में यथार्थ के आतंक से मुक्ति की स्वप्न कथा है। जागती आंखों के स्वप्न के लिए दो चीजों की भरपूर आवश्यकता है, गहरी जीवन दृष्टि और आला दर्जे की सर्जनात्मकता। ये दोनों अर्हताएं स्व और भौतिक जगत की संकीर्णताओं से अतिक्रमण की क्षमता से उपजती हैं, जहां शेष रहती है जीवन के प्रति उदात्त आस्था, उद्दाम जिज्ञासा, कौतूहल जिज्ञासा, चमत्कार रोमांच विस्मय जैसे मनोभावों के साथ कल्पना के बीहड़ में प्रवेश करते हुए फैंटेसी पूरी तौर पर जितने ज्यादा यथार्थ से दूर जाती दिखती है उतनी ही गहरी तन्मयता और उत्कट व्यग्रता के साथ वह लुंज पुंज यथार्थ को बीनती और बुनती चलती। वह मोटे तौर पर विघटन और वर्चस्ववादी ताकतों से अटे साम्राज्य से दो दो हाथ करता सकारात्मक हस्तक्षेप, जिसे मनुष्य और जीवन के स्वास्थ्य के लिए सृजन की निरंतरता को बनाए रखे। इसलिए लेखक के लिए फैंटेसी करना जितना दूरह है उतना ही कठिन है पाठक के लिए फैंटेसी के भीतर छिपी अर्थ व्यंजनाओं को गुण बुनकर पुनर्सृजित यथार्थ के साथ अपने संबंध को व्याख्यायित कर। उसका काम यहाँ दोहरे स्तर का है, पहले उन छिपी अर्थ व्यंजनाओं को गुन गुन कर उसे यथार्थ का पुनर्सृजन करना है और फिर एक आत्मीय दूरी के साथ उसे उसके साथ अपने संबंध को भी एक निश्चित दिशा और परिभाषा देती। भय रहस्य और उनके तनावयुक्त रोमांचक प्रभाव से आंदोलित होकर उन्हें सामान्य हो जाने की आकांक्षा फैंटेसी की आधार भूमि का निर्माण कर। फैंटेसी में प्रविष्ट होने से पहले अलका सराफी कहानी में भय विगलित कथावाचक की मनस्थिति को और भी उद्विग्न बनाने के लिए कहानी में रहस्यात्मक वातावरण की सृष्टि करते। कलकत्ते की मई महीने की चिर परिचित पीली सांझ पहली बार अपरिचित रूप धरकर कथावाचक के भीतर तनाव पैदा करती, फिर इस तनाव को गाढ़ा करते हुए लेखिका पीली रोशनी के वृत्त से घिरे कूड़े के ढेर के पास कथावाचक की ओर मुंह किए चुपचाप बैठे तीन कुत्तों का चित्र उकेरती। गली सुनसान है, सांझ का छुटपुटा पुराने पेड़ों के सघन साए की वजह से गली में अंधेरे की सृष्टि कर रहा है और अपनी आशंका और उतावलेपन के कारण रोजमर्रा के इस अभ्यस्त दृश्य से कथावाचक पसीने पसीने हो गया। सांझ का झुटपुटा न अंधेरे के जय की घोषणा होता है न प्रकाश के अंत की। यह चीजों को उनकी धुंधली बाह्यकृति में संजोता अवश्य है, लेकिन भयाक्रांत मानसिकता के अनुरूप उसमें किसी अन्य के होने की संभावना या वहम को भी बढ़ावा देता है। लेखिका ने बाहरी वातावरण ही नहीं उकेरा बल्कि कथावाचक के भीतरी वातावरण को भी बुना है, जो दुस्वप्न के झुटपुटे में चेतन और संज्ञा शून्य होने की स्थितियों के बीच निरंतर आवागमन कर रहा है। इसलिए अधीरता से दौड़कर मित्र के घर तक आना और घर पहुंचकर याद आना कि यह समय तो मित्र के घर में न रहने का होता है, उसकी इस विभ्रम स्थिति को दर्शाता है। ठीक यही वातावरण की रहस्यात्मकता में सुमंत की भौतिक उपस्थिति को खुला मिला देने के लिए लेखिका 100 वर्ष आगे के समय को एक झील का रूप देकर
सुमंत और कथावाचक दोनों के बीच उपस्थित कर देती। यह कथा युक्त पाठक को आश्चर्य लोक में ले जाने के लिए नहीं है, बल्कि घटनाओं के तार्किक परिणति के रूप में 100 वर्ष के दरमियान होने वाले क्रमिक परिवर्तनों और परिणामों को गहरी निसंगता से जांचने के लिए। आंख 11 के रूप में लेखिका ने ऐसे अचल शांत चित्त किशोर की कल्पना की है जो अपने निजी अनुभवों से नहीं बल्कि इतिहास से सबक लेकर सबकी गलतियों का प्रायश्चित करने निकला मसीहा है। भुवन मोहिनी मुस्कान, निश्चलता और आंखों में गहरे तक उत्तरी विश्वास करने की क्षमता उसे ईसा मसीह जैसा चुंबकीय व्यक्तित्व देती। अपनी मूल संकल्पना में वह जितना अपने समय से बंधा है उतना ही निर्बंध और समयातीत होकर पूरे ऐतिहासिक कालक्रम की विवेचना करने वाला संवेदनशील बौद्धिक प्राणी। कथावाचक के साथ आप 11 के संबंध को बुनते हुए लेखिका ने ध्यान रखा है कि दोनों अपने अपने युग का प्रतिनिधित्व करते हुए एक दूसरे के विलोम उभर कर आए। कहानी में कथावाचक एक तरह से बिल्कुल टूटा हुआ इंसान है जो उम्मीद की हल्की सी रोशनी पाने के लिए ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं के चक्कर काटने वाली हताश भारतीय मनस्थिति का प्रतीक है। तो आके गासी वाणी और स्पर्श के माध्यम से भीतर तक विदीर्ण हृदय को प्रेम विश्वास की स्निग्ध तरलता से भर देने वाला अपना ही कोई लुप्त अंश या देवदूत है। यदि उसकी जगह मेरा अपना बेटा मृदुल होता तो इससे अधिक स्नेह शायद उसके प्रति भी मैं महसूस नहीं करता। कथावाचक और आकेगारसी दोनों के बीच हार्दिकता के आदान प्रदान का गहरा रिश्ता बनकर लेखिका के लिए विचित्र प्रकृति आक 11 के प्रति पाठकीय कौतूहल और विश्वास पैदा करना अब कठिन नहीं है। इस आधार भूमि को तैयार करने के बाद उनके लिए आक 11 में अपनी दृष्टि संवेदना व्याकुलता और जिजीविषा का आरोपण करना सरल हो जाता है। यह कहना भी सरल हो जाता है कि अब हमने पुराने लोगों की गलतियों में सुधार कर लिया। कहानी में विश्लेषण के दौरान हमारे आज के समाज के स्वास्थ्य और उन्नत चरित्र को ग्रसने वाली अनेक गंभीर बीमारियां एक एक कर लेखिका के सामने उपस्थित होती। आग 11 मनोबीज की 11 पीढ़ियों के जरिए उनकी परिणति की कथा कहता है। सबसे पहले वह लिंग जाति धर्म से परे अपनी मनुष्यगत पहचान की बात करता है और अपने देश की नीति का ऐलान कर कथावाचक को संभ्रम की स्थिति में डाल देता है कि हमारे देश में इस वक्त प्रति औरत 4 लड़कियां पैदा करने का नियम। एकाएक यहाँ आकर कहानी की मूल संवेदना आकार लेती है। बेशक कथावाचक की तरह पाठक भी यह सुनकर चौंक गया, लेकिन जल्दी ही विभ्रम की स्थिति से उबर कर वह अपने युगीन सत्य के भीतर गहरे उतरने लगता है। कन्या भ्रूण हत्या के बढ़ते आंकड़े, विषम लिंगानुपात और ऑनर किलिंग के नाम पर युवा लड़कियों की हत्या की खबरें उसे झकझोरने लगती है। भीतर ही भीतर उस आंदोलित अवस्था में वह विश्लेषण भी करने लगता है कि स्त्रियों की हीन सामाजिक स्थिति जन्म से अभिशप्त और जीवन से संतप्त स्त्री की दुरावस्था का मूल कारण है। पाठक की चिंता एक जिम्मेदार नागरिक की चिंता है, लेकिन वह उसे वर्तमान के घनत्व से मुक्त कर स्त्री विहीन भविष्य की विभीषिका को देखने की बेचैनी नहीं देती। रोजमर्रा की जिंदगी की क्षुद्रताओं में खोए पाठक के लिए कन्या भ्रूण हत्या समय की एक विभत्स सच्चाई भर है, जिसके साथ व्यक्तिगत तौर पर टकराने और लहूलुहान न होने की निश्चितता ने उसमें अनजाने ही सामाजिक दायित्वों के प्रति बेपरवाही भर दी। कहानी उसे उस स्थिति की ओर धकेलती है जहां उसे अपनी लापरवाहियों के गर्भ में छिपी संवेदनहीनता और क्रूरता दिखने लगती है कि कन्या भ्रूण हत्या की साक्षी नई पीढ़ी संस्कार में अपनी पूर्वज पीढ़ी की बर्बरता लेकर कैसे स्त्री विरोधी हुई थी। आके गारसी की आवाज उसके सामने एक एक कर अपने दुष्कर्मों की पोटली खोलती जा रही है। वह कहता है, आपकी पीढ़ी ने लड़कियों को भ्रूण में ही गर्भपात करके निकालना शुरू किया। उसके बाद की पीढ़ी ने पुरुष वीर की छटाई करके सिर्फ एक लड़का पैदा करना शुरू किया और फिर उन लोगों के बाद की पीढ़ियों में धीरे धीरे लोगों में बच्चा पैदा करने की इच्छा भी खत्म हो गई।
इसका कारण यह था कि प्रायः इकलौते लड़के माँ बाप से 16 साल की उम्र के बाद कोई संबंध नहीं रखते थे। किसी न किसी लड़की का पति होने के लिए या उससे रिश्ता बनाने के लिए उन्हें बरसों मेहनत करनी पड़ती। बहुत सारे युद्ध सुंदर लड़कियों को पाने के लिए हुए। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश में लड़कियों की ही नहीं पेड़ों और आदमियों की संख्या भी बहुत कम होती चली। जरा सा आत्मस्थ और विश्लेषणशील होते ही पाठक आप 81 के कथन की विभीषिका को अपने वर्तमान में घटित होते देख पाता है। विषम लिंगानुपात के कारण लड़कों के विवाह की समस्या समाधान हेतु जो विकल्प देती है वह गरीब परिवार की लड़कियों की खरीद फरोख्त को वैध बनाने का। प्रति 1000 लड़कों पर 870 लड़कियों के लिंगानुपात के कारण कुख्यात हरियाणा प्रदेश के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में वधुओं की खरीद की बात आम। दूसरी वह इस तथ्य का भी साक्षी है कि महानगरीय सभ्यता में नवीन सूचना प्रौद्योगिकी के रंग में रंगे और भौतिक महत्वाकांक्षाओं द्वारा तरंगायित युवा दंपत्ति संतति के प्रजनन और पालन पोषण जैसे गंभीर और बुनियादी दायित्व से कन्नी काटते जा रहे। यह यांत्रिक दिनचर्या और उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव स्वरूप उपजी दायित्वहीनता का प्रसार है जो मनुष्य को समूची सृष्टि से काटकर अपने ही लोभ की संकुचित परिधि में ला बैठा। आग 81 की तीसरी टिप्पणी भी दृष्टव्य सुंदर स्त्री को पाने के लिए युद्ध अनुमान उसे जरा भी अविश्वसनीय नहीं लगती। यह टिप्पणी क्योंकि भारत का पौराणिक एवं मध्यकालीन इतिहास जल जोरू जमीन के इर्द गिर्द युद्धों की कथाएं गूंथ कर समूचे पर्यावरण के विनष्ट हो जाने की त्रासदियां कहता रहा। यह निश्चय ही भविष्य की ओर पीठ कर ही समय के चक्र को पीछे लौटा चलने की जड़ अहमन्यता है जो द्रौपदी से स्थिति में रखकर स्त्री को निरंतर भोग की सामग्री बनाया। जाहिर है लेखिका कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या को उसके समस्त आयामों में देखते हुए इसे स्त्री की गरिमा और मनुष्यता के भविष्य के साथ भी जोड़ दे। आपकी गारसी कहानी कलात्मक सद्भाव के साथ अंतर वस्तु की संश्लिष्ट परतों को खोलकर चलती वह वास्तविकता के नए नए स्तरों का उद्घाटन ही तो है। फैंटेसी के चमत्कारिक और सम्मोहक प्रभाव को लेखिका ने कहीं भी स्खलित नहीं होने दिया। कन्या भ्रूण हत्या की जघन्य बर्बरता के बीच वे आग 81 के पुरुष व्यक्तित्व को अधिकाधिक स्त्री रूप दिए चलती है जहां स्त्री सुलभ कोमलता है लज्जा और शालीनता उसका परिचय बन जाती है। साथ ही स्त्रियों की तरह उसकी छठी इंद्रिय भी अधिक सक्रिय है जो कथावाचक के हृदय में उठने वाले भावों सवालों का पूर्वानुमान लगाकर स्वयं ही उनका निराकरण कर लेती है। दूसरे के मन की बात जानना और फिर उसकी पीड़ा को आत्मसात कर उसे बांटने के लिए व्यग्र हो उठना ये ऐसी स्त्रियोचित विशेषताएं हैं जो इधर तेजी से लुप्त होती जा रही। लेखिका ने दो अन्य विघटनशील तत्वों की ओर संकेत किया है। ये तत्व है मीठी बोली और शुद्ध हिंदी मातृभाषा। इनकी ओर संकेत करते हुए न केवल अपनी जड़ों से कटकर अधिकाधिक आक्रामक और असहिष्णु होते समकालीन यथार्थ से आंख मिलाने की ताकीद करती है बल्कि इन्हें गुण बनाकर आग 81 के भीतर आरोपित भी करती। निस्संदेह यही आग 81 के इर्द गिर्द बुना जादुई वलय कि कथावाचक उसकी अलौकिक संवेदनशीलता से अभिभूत होकर अपना हृदय उंडेलने को बाध्य हो गया। कन्या भ्रूण हत्या एवं मिस्री के प्रति बढ़ती असंवेदनशीलता संबंधों के समीकरण बदल जाने और बढ़ती संबंधहीनता के दबाव तले भावनात्मक असुरक्षा के गहराने की नियति की ओर भी संकेत करती आग 81 इसका प्रमाण है। प्रति स्त्री 4-4 लड़कियां पैदा करने के फरमान के कारण उस जैसे लड़के सृष्टि में जैविक संतुलन बनाए रखने के लिए पैदा किए जाते हैं। बेशक 100 साल का सफर स्त्री समय होगा लेकिन पुरुष की हिंसा की आंच सहकर यह निखरी स्त्री कर्ता बनने के बाद पुरुष के हिंसक क्रोधी और स्वार्थी रूप को अपने भीतर जज्ब नहीं करेगी। संसार के किसी भी युद्ध की शुरुआत किसी स्त्री ने नहीं की है आग 81 अभिमान पूर्वक कहता है। साथ ही
वह युद्ध के दावानल में धधक कर खत्म हुए पिता जैसे संबंध का भी साक्षी। वह कहता है, हमारे यहाँ पिता का अर्थ सिर्फ वह वीर है जो कोई औरत एक सुंदर बुद्धिमान लड़की पैदा करने के लिए बैंक से लेती। यह सूचना आप एगारसी के लिए जितनी सहज है कथावाचक और पाठक के लिए उतनी ही असर। तो क्या समय के साथ विवाह संस्था का नाश हो जाएगा, जो अपनी तमाम अधिनायकवादी बुराइयों के बावजूद परिवार संस्था के भीतर संबंधों और मानवीय संभावनाओं को सुरक्षित रखती है? परंपरा से आज तक स्त्री की संपूर्णता को देह तक सीमित रखना जितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, उतना ही विडंबनापूर्ण होगा पुरुष का वीर बैंक में तब्दील होना। ऐसी जैव वैज्ञानिक शोधों के सहारे विज्ञान सृष्टि के क्रम को सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन जीवन और संबंध के बीच हार्दिकता और स्पंदन का अभाव पैदा नहीं कर सकता। मनुष्य को यंत्र मानव नहीं बनाया जा सकता। लेखिका इस मान्यता को स्वीकारती है, इसलिए यांत्रिक जीवन परिस्थितियों में जीते आक एगारसी को यंत्र में विघटित नहीं होने देती। वे उसके स्पंदन और मनुष्यता को बचाए रखने के लिए उसमें हताशा और भावनात्मक आघात जैसी अनुभूतियों को महसूस करने और इनसे उबरने की इच्छा शक्ति को तीव्र करती। आक एगारसी के घनघोर अकेलेपन की कल्पना करना कठिन नहीं। वह जिस कंप्यूटर अनुशासित युग में जी रहा है, वहां जीने का आह्लाद वर्तमान को उसकी नैसर्गिकता के साथ स्वीकारने की निश्चिंतता बनकर नहीं आता, अतीत की गलतियों के परिमार्जन का दायित्व बोध बनकर आता है। आपसी संवाद के जरिए भीतर छटपटाती अभियुक्तियों को व्यक्त करने की बजाय ये कंप्यूटर के प्रोग्राम से संचालित हो रहे हैं। न जीवन में कुछ गोपन है, न भविष्य में कुछ भी अबूझ, इसलिए एक्सप्लोर करने का आह्लाद सृजन की संभावनाओं को पनपने नहीं देता। भावनाएं, संबंध, आकांक्षाएं और स्मृतियां तथ्यात्मक सूचनाएं बनकर आती। जैसे आप एगारसी के पास पिता नहीं, पिता की कंप्यूटर प्रदत्त स्मृतियां हैं कि मेरे पिता मुझसे 6 पीढ़ी पहले के एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान का इस्तेमाल दुनिया को नष्ट करने के लिए या लोगों में नई चीजों के प्रति कभी न बुझने वाली तृष्णा जगाने के लिए नहीं किया, बल्कि इस दुनिया को सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए किया था। कथावाचक से मिलने के बाद आप एगारसी द्वारा हताशा का अनुभव करना अकारण नहीं। जिस प्रकार उसे देखकर कथावाचक को हठात अपना बेटा याद आने लगता है, ठीक उसी प्रकार संभावना है कि आप एगारसी को भी कथावाचक में अपने पिता नजर आए। कथावाचक का हाथ पकड़कर बेंच की ओर चलते समय वह भी निश्चय ही प्रेम से लबालब भर गया होगा, और क्षणांश बाद जब अपने में लौटा होगा तो ऐसे किसी मानवीय संबंध को न जी पाने की वेदना में छटपटाया। इसलिए अपने उस स्वर्ग जैसे अनुपम देश काल का बखान करते हुए वह अनायास अपने समय की गंभीर समस्या की ओर भी संकेत कर जाता। यह समस्या है दुख बर्दाश्त न कर पाने की अक्षमता। हमारे यहाँ एक मौत होने पर दिल टूटने से मर जाने वालों की एक श्रृंखला बन जाती है। हमारे हृदय इतने कमजोर हो गए हैं कि हम किसी की कोई तकलीफ नहीं देख पाते। वह कहता है, स्पष्ट है यह समस्या दर्द न बांट पाने की अक्षमता का ही परिणाम है, क्योंकि दुख बांटने की कला दो अलग अलग इयत्ताओं में बटे व्यक्तियों को जोड़ती ही नहीं, उन्हें दुख से लड़ने की नैतिक ताकत भी देती। वह कहता है, आप लोगों के समय में एक सुंदरता थी, एक आंच, एक गर्माहट। अपने सारे अध्ययन में मैं यह बात नहीं समझ पाया था, एक लड़ाई अन्याय के खिलाफ कितनी सुंदरता है उसमें, कैसी अद्भुत, यह हमारे जीवन में नहीं है। इतनी सारी उलझनों के बीच आप जिंदा बने रहते। लेखिका अलका सराबगी की विशेषता है कि आक एगारसी और उसके समय को हमारे आज का विलोम बनाने के बावजूद वे उन्हें एक ही स्थिति का विस्तार बनाते। स्त्री का उत्पीड़न, युद्ध की विभीषिका, सांप्रदायिक दंगे, पर्यावरण प्रदूषण, ये सब अपने अपने स्तर पर अन्याय के ही उदाहरण। बेहतर भविष्य की कल्पना अन्याय का प्रतिकार किए बिना संभव नहीं। हमारा आज का समय
अन्याय से वैचारिक नैतिक मुठभेड़ की कोशिश में और अधिक अधिनायकवादी और कठमुल्ला हुआ जा रहा है। आप एगार्सी के जरिए विश्लेषण करते हुए लेखिका इसका मूल कारण मनुष्य के स्वभाव में निहित मानते हैं। आदर्श और भ्रष्ट दो मूल्य चेतना है जो मनुष्य के हृदय में अगल बगल स्थित। आदर्श तलवार की धार पर चलने की विकट साधना है तो भ्रष्ट में रपटने का रोमांचक सुख है। मनुष्य चलना जानता है इसलिए वह कभी भी इस फासले को माप सकता है। आग एगारसी मनुष्य की सीमा को जानता है इसलिए उसके समय ने निर्वैयक्तिकता को मूल्य बनाकर मनुष्य की चेतना और व्यवहार क्रिया और संवेग को मशीनी नियंत्रण के अधीन कर दिया। हमने एक कंप्यूटर मशीन को सरकार न्यायालय और पुलिस का काम सौंप दिया है। यह मशीन मनुष्यता के चरम विवेक से बनाई गई है और हमारे सारे व्यक्तिगत कंप्यूटरों से उसका स्नेहपूर्ण संबंध है। वह परम प्रेम का साकार रूप, वह स्वयं सत्य, वह कभी गलत नहीं होती, कभी पक्षपात नहीं करती। अन्याय शब्द तो उसके कोष में ही रहे। यही यह सवाल भी उठता है कि क्या मशीन मनुष्य का विकल्प हो सकती है, खासतौर पर उन स्थितियों में जब विज्ञान की अत्यंत उन्नत अवस्था भी मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली को अब तक समझ नहीं पाई। मनुष्य के जीवन में संबंध, संवेग, संवेदनाएं और सपने जिन भाव लहरियों को उत्पन्न करते हैं वे तर्कातीत होते हुए भी मनुष्य के सच को रचते हैं। मनुष्य के पास मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाले इस भावनात्मक संसार को समझने का विवेक नहीं बन सकता। हताशा और अकेलेपन की दुर्दांत पीड़ा के बीच अपने को सुस्थिर रखने के प्रयास में दवा की पुड़िया निगलता आग इगासी हमारी वर्तमान सभ्यता के नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार किसी भी व्यक्ति से भिन्न है। बेशक वह दावा करता है कि हमने जीवन की कीमत को जान लिया है इसलिए हम हर घड़ी प्रसन्न रहना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसकी पीढ़ी विज्ञान के सतर्क और सकारात्मक प्रयोग के बावजूद सौहार्दपूर्ण समाज की रचना नहीं कर पाई। ठीक इसी समस्या से ग्रस्त है हमारा आज का समय। संकीर्ण मनोवृत्ति और संकुचित सोच ने उसकी महत्वाकांक्षाओं को हवा जरूर दी है, लेकिन उसकी प्रगति का रास्ता दूसरों के रास्ते अवरुद्ध करके ही खुलता है। आप एगारसी की पीढ़ी में अपने पूर्वजों के पाप धोने का प्रायश्चित बोध है जिस कारण वह जीवन को उसकी समग्रता और वर्तमानता में नहीं देख पा। स्पष्ट है कि संवादहीनता दोनों ओर है। लेखिका मानो समय के अंतराल को पाठ कर पाठक को अपने समय की विभीषिकाओं को पहचानने और उनकी संभावित त्रासद परिणतियों से बचने के विकल्पों पर विचार करने का आग्रह करती है। फैंटेसी कालानुक्रम को तोड़कर जितनी उन्मुक्तता से अतीत और भविष्य के बीच संचरण करती दिखती है उतनी ही आतुरता से वह वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए मनुष्य की सकारात्मक भूमिका को रेखांकित भी करती है। इसलिए संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आग एगारसी कहानी सभ्यता की समीक्षा का बृहद आह।